को बच्चा कोचिंग से आया, इनसे 10 रुपए लिया और इन्होंने 10 रुपए दिया, फिर उसके बाद वही जो लड़का जो पम्मी आरोपी है वो उसको 500 की नोट दिया। 8 साल के बच्चे को, 10 साल के बच्चे को 500 की नोट कौन देता है? वो उसको लेकर बाइक से निकल गया। उसके बाद ये 9:30 बजे एक्टिव हुई भुलैया के लिए, तब 10 बजे हम लोग को मालूम चला। तब हम लोग जब गए तो वो लड़का ऑलरेडी हम लोग साथ, वो 11:30, 11:12 बजे तक वो लड़का आकर हम लोग के साथ ढूंढवाने लगा है। फिर उसके बाद 3 से 4 बजे रात में जब वो देखा कि जो है हम लोग बहराना का एक एक गली का जो है CCTV कैमरा निकलवा रहे हैं, तो वो अपने मुँह से कबूल दिया कि यार हम तो 500 रुपये उसको दिए थे, यहाँ चौराहे पर छोड़ के गए थे, ये है वो। तब हम लोगों ने उसको जो है पुलिस का हैंड ओवर कर दिया। तो जब पुलिस वालों से जो है वो जब कल जब मार खाया है, तो वो दरोगा साहब जो है कुछ देर के बाद वहाँ ग्रीन स्वीट हाउस के मालिक आए, जो मतलब जो उसको एक तरीके से उसका एम्प्लाइज है, पूरी प्रॉपर्टी इसकी देख रेख वही लड़का करता है। उसके बाद वो ग्रीन स्वीट हाउस वाले हैं, जब वो आए हैं तो उसके बाद जो है दरोगा साहब जो है बोले कि जो अब इसको मत मारिएगा आप लोग। फिर उसके बाद जो है जब हम लोगों ने थोड़ा सा भीड़ भाव बढ़ा कर जब थोड़ा सा उनसे बोला गया है, दबाव बनाया है, पूछताछ के लिए दबाव बनाया, तब उसको जो है हम लोगों से बताया कि जो है उसको लेकर गए वहाँ हनुमानगंज बताए गए। उसके बाद जितने लोग को भी हम लोगों ने फ़ोन किया, जो भी स्पॉट पे गए हुए थे पुलिस वाले, कोई का फ़ोन उठ नहीं रहा था। अब पता नहीं इसको वहाँ ले गए थे कि कहाँ ले गए थे, ये हम लोग को नहीं मालूम। और दरोगा साहब बोले थे कि रात में 12 सुबह 12 बजे तक आपका बच्चा आपको मिल जाएगा। जबकि और अभी ड्राइवर जो एम्बुलेंस का जो ड्राइवर था उससे हमारे बड़े भाई ने पूछा, तो वो कहा कि हम तो हंडिया से नहीं, हम तो यहीं लोकल से बॉडी लेकर आ रहे हैं। तो सर हम लोगों ने ये मतलब ये तो पुलिस झूठ बोल रही है, ये तो जो है लोकल से कहा, वो लड़का झूठ बोल रहा है कि हंडिया से मिला है बॉडी। सर पुलिस झूठ बोल रही है, हम लोग को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस पैसा खा चुकी है, ग्रीन स्वीट हाउस का जो मालिक शंकरलाल हाउस वाला पैसे वाला है, इसलिए शंकरलाल साहू नाम है उसका, और उसकी बहुत बहुत प्रॉपर्टी है। वो लड़का जो है हो सकता है यही इसी की कोई प्रॉपर्टी में उसको मार के रखा हो, और बाद में जो है वो हम लोग को जो गुमराह करने के लिए बताया हो कि हंडिया में बॉडी मिली है, जो क्योंकि हम लोग रात भर तो यहाँ थे नहीं, बच्चे की डेथ हो गई है, ईटा कूच के मारा गया बच्चे को। भैया मेरा 10 साल का बच्चा कैसे बर्दाश्त किया होगा, अगर उसको बताइए मारा इतना छोटा बच्चे को कैसे हो, जब वो तड़प रहा होगा, अगर और ग्रीन स्वीट हाउस वाले को जब हम लोगों ने पुलिस हिरासत में दिया तो रात में 2:20 पे वो उसको नीले रंग की शर्ट और व्हाइट पैंट कहाँ से मिल गई है? ये थाने की गलती है ना सर, कुर्ता पजामा उतार के उसको व्हाइट पैंट और ब्लू शर्ट उसको दिया गया, इतना पिया था कि उसका पैर आगे बढ़ नहीं पा रहा था। वो दारू पिया हुआ था। जब मैं उसके बाद थाना इंचार्ज बोले कि हम आप जब तक आप लोग नहीं आएंगे सुबह तब तक इसको नहीं छोड़ेंगे, और जब हम लोग आए हैं तो उसको सुबह ही छोड़ चुके थे। उसका एक भाई भी अंदर बैठा है, बड़ा भाई। उसका एक भाई भी बैठा हुआ है जिसने मर्डर किया, उसका भाई बैठा है। शंकरलाल साहू।